बंद कर दे। सो वहां के जो साइंटिस्ट ने इन्वेंट करा था उन्होंने सेम टेक्नोलॉजी शूज में लगाई है, इसे बोलते हैं ग्रीन डायमंड। टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल व्यू इन कैलगरी, बट वी आर गोइंग टू बैम्फ, सो वहां के नजारे और भी ब्यूटीफुल होंगे। मॉडर्न सिटी से निकल के अब थोड़ा सा विलेज और नेचुरल ब्यूटी में जा रहे हैं। माउंटेन, प्रॉपर माउंटेन वहां से दिखेंगे, पास से दिखेंगे थोड़ा सा। या रिजॉर्ट से आई थिंक अच्छा व्यू आएगा। सो लेट्स गो। रेंटल कार रिटर्न कर दी है मनप्रीत को, मैंने अराइवल्स पे पहले ही ड्रॉप कर दिया था बिकॉज जो इवेंट है अब दो दिन का वो शटल यहीं से पिक होनी थी, सो हमने जैसे दो दिन पहले की फ्लाइट कराई थी, बट आज जो लोग आ रहे हैं सारे क्रिएटर सारे उनकी शटल यहीं से जानी थी, तो हमने उनको बोला कि ठीक है अब रेंटल कार हम रिटर्न कर देंगे, फिर आपके साथ ही जाएंगे शटल में। सो लगेज वगैरह पहले ही ड्रॉप कर दिए थे, नाउ आई एम गोइंग टू सी मनप्रीत, आई होप शटल भी आगे होगी। All good, car return कर दी, अब हम शटल का वेट कर रहे हैं। हाँ मैंने मैसेज किया है, वो जो ग्रुप ऑर्गेनाइजर है वो कह रहे हैं कि हम आपको मतलब फोटो भेज दी 7 नंबर गेट पे है। सो शी सेड लाइक शी विल बी हियर, तो लुक्स लाइक कि यहीं पे होना है बिकॉज़ बस है ना वो बड़ी बस जाएगी, तो यहीं से यहाँ शटल्स का लगा हुआ पीछे, तो आई एम श्योर कि यहीं से कुछ होगा। अब लोग सोच रहे होंगे कि आप पहले बैंफ गए हो फिर दोबारा बैंफ क्यों जा रहे हो, इवेंट बैंफ में ही था, तो हमने सोचा कि हम कैनमोर पहले रुक जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे बिकॉज बैंफ तो हमने बाद में जाना ही अब दो दिन। कैनमोर में विंटर में कुछ नहीं था, ये हमारी लर्निंग है, अगर आपको विंटर में आना तो आप बैंफ में ही रुको, थोड़े से होटल के प्राइसेस ज्यादा होंगे बट आपको कैनमोर से बेटर लगेगा विंटर में, वहाँ पे ज्यादा एक्टिविटीज। थोड़ा सा ये भी था कि हम थोड़ा फ्रीली अपना घूमना चाहते थे बिकॉज अब हमारे पास कार नहीं होगी तो उन पे डिपेंडेंट रहते हम, तो उन्होंने पूरा दो दिन का प्लान करवा उनकी अकॉर्डिंगली हमें सारी एक्टिविटीज करनी है। प्लान एक घंटे की, तो आई डोंट थिंक हम इतना इजीली घूम पाते और इतना एंजॉय कर पाते जो हमने किया है। आई एम श्योर उसका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, बट ये डिफरेंट होगा एक्सपीरियंस बिकॉज उनके पास प्लान एक्टिविटीज है। शटल मिल गई है, जो फ्लाइट से आ रहे हैं लोग उनको 5-10 मिनट लगेंगे, हम जब तक सामान रख लेते हैं। हमें एडवांटेज था बिकॉज हम ऑलरेडी कैलगरी में थे, इसलिए हम पहले आ गए थे बिकॉज कैलगरी एक्सप्लोर करना था। ये जो लोग आ रहे हैं ये डायरेक्टली बैंफ जाएंगे, सो हम पहले आ गए और हमने विंडो वाली सीट ले ली फ्रंट की, सो दैट व्लॉग में अच्छे सीन आए बिकॉज अब मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ तो मैं अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट ले सकता हूँ। कहने का मतलब ये नहीं कि मनप्रीत नहीं लेती, बट थोड़े से बेटर ले लूंगा मैं। वो सब आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, ड्राइवर जी भी बार बार पूछ रहे हैं कि लेट करा रहे हैं यहाँ पे, आधा घंटा सिर्फ वेट करना, जल्दी बुलाओ। तो चेक इन कर लिया है, वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट इन बैंफ है, अच्छी बात है, बड़ा ब्रांड है तो बड़े रिजॉर्ट पर रुकवाएं। छोटी सी क्लोजेट, वॉशरूम, जितना महंगा रिजॉर्ट में ज़्यादा जेट नहीं मिलेगा। अभी यहीं पर रखे हैं, अभी सेट वर्क करते हैं, थोड़ा सा एक पेंट्री एरिया, कॉफी स्टेशन थोड़ा सा एरिया यहाँ पे है। सबसे बढ़िया बात, ब्रांड ने यही प्रमोशन के लिए बुलाया है कि आपको मार्क्स के जो शूज हैं लेटेस्ट विंटर शूज लॉन्च हुए हैं आइस एफएक्स, तो उसकी प्रमोशन के लिए बुलाया है। सो दे विल बी शूटिंग सम एड्स, सम ब्लॉग राइटिंग होगी और प्रेस मीडिया के भी लोग आए हुए हैं। तो अभी इसको खोलते हैं बिकॉज हमने देखे थे जब एक्चुअल में स्नो में यूज होंगे, हमने स्नो में अभी वॉक करके नहीं देखा इन शूज में। सो अभी नीचे इवेंट होगा वो पूरी ब्रीफिंग देंगे। टीवी आई डोंट नो कि कितना यूज होगा, छोटा सा वर्क एरिया यहाँ पे है। द बेस्ट थिंग इज द व्यू। कैनमोर में आपको पता है जैसे हमारा कट्टा हो गया था कि हमने माउंटेन व्यू वाला सोच के होटल बुक कराया था, उसमें कोई माउंटेन व्यू नहीं था। सो हम ये सजेस्ट करेंगे कि कैनमोर में अगर आप समर में आ रहे हो तो वहीं पे होटल बुक कराना और चेक कर लेना कि रिव्यूज में माउंटेन व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका तो माउंटेन व्यू है बिकॉज ऑब्वियसली इट इज डबल ट्रिपल कॉस्ट है। सो बैंफ में भी अगर होटल बुक करोगे स्पेसिफिकली चेक करना कि माउंटेन व्यू है कि नहीं, थोड़ा सा कॉस्टली होगा बट इट इज वर्थ टू हैव कॉफी सिटिंग हियर एंड वॉचिंग द माउंटेन्स। जो हैम्पर से उनकी अनबॉक्सिंग बाद में करेंगे, अभी बहुत तेज भूख लग रही है। यहीं पे 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं विद इन द होटल, जाके खा के आते हैं बिकॉज फिर बहुत टाइट प्लान है, 3-3:30 बजे के ऑनवर्ड्स पूरा वहाँ पे ब्रीफिंग होगी तो टाइम नहीं मिलेगा, बहुत भूख लगी है।
वॉज दी फूड मनप्रीत जी? बहुत अच्छा था, बहुत तेज भूख लगी हुई थी, जो ऑप्शन थे उसमें वो अच्छा था। और अब है ब्रीफिंग, बॉक्स की टीम से लोग आए हुए हैं तो वो पूरे फीचर्स बताएंगे शूज के और क्या क्या कहाँ कहाँ पे शूट होगा। कल की पूरी आइटनरी डिस्कस होगी कि हेलीकॉप्टर राइड कहाँ से होगी, सो वी विल गेट मोर आइडिया। तो ब्रीफिंग से वापस आ गए रूम में, अब मैं ये अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ शूज, क्योंकि अब मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में बहुत नॉलेज हो गई है। एंड एक गुडी बैग भी है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको विंटर में विंटर शूज के साथ बहुत जरूरी हैं। बैठते आराम से माउंटेन व्यू वाले सोफे पे, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। रूम में शूज वगैरह रखे हुए, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं साइज। और जो बात हमेशा हम अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि जो विंटर शूज हैं वो थोड़े से आपके रेगुलर साइज से बड़े होने चाहिए, 0.5 इंच बड़ा होना चाहिए, सेम चीज आज जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने भी यही बोला है। सो हमेशा अपना ये पॉइंट माइंड में रखो कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा बड़ा साइज लेना चाहिए। और वो है वीपी ऑफ स्ट्रेटेजी एंड इनोवेशन, तो उन्होंने बोला कि अगर आपका हाइफ साइज बड़ा होगा ना तो स्नो में फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं, अगर बिल्कुल फिट है ज्यादा चांसेस होते हैं। ये हमें नहीं पता था, उन्होंने बहुत सारे टेस्टिंग करी है, काइट रिसर्च इंस्टीट्यूट है टोरंटो में, उन्होंने टेस्टिंग करी है जो टेक्नोलॉजी ये शूज में यूज करी है। मैं अपने शूज के नीचे वाला हिस्सा दिखाता हूँ, उसमें वो टेक्नोलॉजी लगी हुई है स्पेशल। एक टिप तो मनप्रीत ने आपको बता दी कि आपका शू साइज होना चाहिए विंटर वाले का हाफ अ साइज मोर, थोड़ा सा उसमें स्पेस होना चाहिए। जो मैं अभी सीख के आया हूँ फ्रॉम द इनोवेशन टीम ऑफ मार्क, उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं यहाँ पे फोन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा मुझे पता नहीं, इसे बोलते हैं ग्रीन डायमंड। सो आइसलैंड में विंटर टायर सक्सेसफुल ही नहीं है, बिकॉज वहां पे हमेशा ही ब्लैक आइस रहती है, देयर इज नो वे दैट दे कैन फिक्स द रोड। सो वहां पे एक टेक्नोलॉजी उन्हें डेवलप करनी पड़ी टायर्स के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, एंड दिस सेम टेक्नोलॉजी। सो वहां के जो साइंटिस्ट ने इन्वेंट करा था उन्होंने सेम टेक्नोलॉजी शूज में लगाई है। सो ये आप देख रहे हो, ये जो थोड़ा थोड़ा शाइनी चीज है इसे बोलते हैं ग्रीन डायमंड। ये बिल्कुल भी जो ड्राई आइस होती है बिल्कुल ब्लैक आइस उस पर भी चल जाएगा, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द सेम टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग इन आइसलैंड। इस पे टेम्परेचर रेटिंग लिखी हुई है -30 डिग्री, सो -30 डिग्री तक ये आपको वार्म रखेंगे आपके फीट को। सो ये एक मेरे को नई चीज पता चली है। वाटरप्रूफ होने चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं, ब्रीदेबल होने चाहिए हम पहले भी बता चुके हैं, जो कि मोस्टली होते हैं। कल पूरा हाइक करने वाले हैं हम स्नो में यही शूज पहन के, प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगी। बट अगर आपको प्रॉपर स्नो शूज लेने बाहर रहते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो या फिर आपका आउटसाइड है वर्क, सो दिस इज बेटर। सो अभी कैजुअल वाले जो शूज हैं ये टेस्ट करते हैं, बिकॉज डिनर पे जाना है सबके साथ, यहाँ पे भी टेम्परेचर हो ही रहा है -10 के आसपास और स्नो भी है, तो ये वाले टेस्ट करते हैं। सो डिनर डन, मनप्रीत जी की सबसे ब्यूटीफुल मॉकटेल थी आई थिंक, एंड से हाय टू माइकल। मैथ्यू डू यू वांट टू से इन द व्लॉग? आई जस्ट सी द हिंदी वर्ड, ही नोस हिंदी। आई लर्नड अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन अ ज़ुकीनी फार्म इन मेलबर्न, एंड द वन वर्ड आई नो इज बंदगर्दे। So he learned बंद कर दे, he was asking me what does that mean? आओ चला दे, चला दे, चला दे। तो यहाँ बाहर हवा चल रही थी, मैथ्यू वो स्टोरी है, हम डिनर पे बैठे हुए थे, तो वो ना ऑस्ट्रेलिया में फार्म पे काम करता था, वहाँ पे अपने पंजाब के होंगे फार्म पे, तो वो उससे बोलते थे बंद कर दे, मतलब बंद कर दे मतलब पानी बंद कर दे, बड़ा पानी बोल रहा था, कह रहा मुझे और एक चला दे। मैथ्यू वाली स्टोरी अभी फिनिश करते हैं, बट होटल की डेकोरेशन रात को बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, क्रिसमस डेकोरेशन बहुत अच्छी है।
सबसे पहले मैथ्यू की स्टोरी फिनिश कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो काम करता था खेत में, वो किसी पंजाबी का खेत था। तो बस कहता मुझे दो चीजें समझ आती थी, बंद कर दे और चला दे, मतलब पानी बंद कर दे और चला दे। मैथ्यू की स्टोरी ना फिनिश नहीं हो पाती, अब फाइनली फिनिश हो गई, मनप्रीत वॉशरूम चली थी। बट अब मॉर्निंग में 8:30 से इनके ये इवेंट स्टार्ट है, हाइकिंग एंड ऑल, तो जल्दी सोना है। हम सोच रहे हैं कि फायर पिट एंजॉय करने जा रहे हैं सारे क्रिएटर्स, तो थोड़ी देर हम भी चले जाए, अदरवाइज हम थके हुए हैं। कल भी बहुत पूरा दिन का शेड्यूल है, डिफरेंट टाइप की नीश से क्रिएटर से मिलके बातें करके बहुत मजा आया। ऑल ओवर कनाडा से आए क्रिएटर्स, तो अच्छा। कोई हैलिफैक्स से आया हुआ है, कोई सस्कैचवान से आया हुआ, कोई वैंकूवर से आया हुआ है, और टोरंटो से भी दो तीन आए हैं। आ रहे हैं क्रिएटर्स, अंदर स्विमिंग पूल है, जिम है, बट फायर पिट्स आई थिंक बंद हो चुकी है। आई थिंक जलाई नहीं उन्होंने, जो लोग आगे बैठेंगे वही करेंगे आई थिंक। तो देख लेते, जला लेते, बैठ जाते हैं। आई थिंक ऑन करनी पड़ेगी, मैं ट्राई करता हूं। आई थिंक वी हैव टू स्विच इट ऑन, राइट? He's coming down to switch it off. Oh, perfect. Thank you. मैथ्यू के हिंदी डायलॉग यहाँ पे काम आ रहा है। मैथ्यू वन फोर अंकल जय चल दे चला दे चला दे चला दे चला दे हॉट चॉकलेट भी ऑर्डर करी है, बहुत अच्छी फील आ रही है, ज़्यादा ठंड नहीं है एंड सब जगह पे फायर पिट्स लगे हुए हैं, तो आई एम होपिंग कि बहुत मज़ा आएगा, ठंड ना लगे। सारे राम जो वहाँ पे बैठ के हॉट चॉकलेट पी रहे हैं फायर प्लेस पे बैठे हुए, एक बंदी ने बोला कितना अच्छा मौसम है, हवा ही नहीं चल रही है, दो सेकंड के अंदर हवा चलनी स्टार्ट हो गई इतना ज्यादा। और अब हमें रियलाइज हो रहा है कि क्यों हेलीकॉप्टर राइड कल की कैंसिल हुई है, बिकॉज लग नहीं रहा था कि हवा चलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा हवा चल रही है। सो आई थिंक सेफ नहीं है, तो उन्होंने इसलिए कर दिया, विच इज गुड कि यार सेफ्टी पहले देख रहे हैं। कहने को उन्होंने वेवर साइन कराया था, बट इट मेक्स सेंस कि वो कैंसिल ही कर दिया है। बट कल अगर मौसम ठीक होता है तो शायद हेलीकॉप्टर राइड हो जाएगी, अदरवाइज ट्रेल्स पे ही हाइक करना पड़ेगा एंड वो सब शॉर्ट्स ले लेंगे। सो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं कैनमोर के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।